नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी को पता होगा कि 13 दिसंबर को देख लीजिए कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सा डे है। उस दिन को हम बताएंगे अभी कि 2019 बैच के केवल बैक प्रशिक्षु ही वहां पे धरना देने के लिए जाएंगे या फिर 2019 बैच के सारे प्रशिक्षु को जाना चाहिए। थोड़ी सी कंसल्टेशन बनाकर हमारी बात पर विचार करिएगा, मात्र 1 से 2 मिनट हम आपके साथ रहेंगे। सुनिएगा सारी बातें ध्यान से, चाहे जो भी 2019 बैच के सारे प्रशिक्षु की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात है, अभी आपने सुना कि आपकी कापियां फिर से रीचेक होने जा रही हैं। पीएनपी द्वारा यह आश्वासन जताया गया है कि आपकी कापियाँ 4 सेमेस्टर की जो आने वाली हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, उसको फिर से उस कापियाँ रीचेक होंगी और हो सकता है फिर से आपकी रिजल्ट आए, है ना। तो इसमें एक चीज तो अनुमान लगाया जा सकता है प्यारे मित्रों कि आपका जो रिजल्ट है वह तो आ जाएगा जल्द। 10 दिन की आश्वासन दिलाया गया उनको, 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। और रहेगी बात जो 2019 बैच के भी कल धरना कराया गया था प्रमोट के लिए कि वह थर्ड, अगर जो पास शिशु है थर्ड से उनको प्रमोट कर दिया गया, तो क्या इसके लिए कोई नोटिस आया? नोटिस नहीं आया ना। वहां पर पीएनपी सचिव का साफ साफ कहना यह था कि सभी बच्चे जो सबका यह प्रस्ताव है इसे एससीईआरटी भेजा जाएगा। अब एससीईआरटी भेजा गया है या फिर अभी भेजा भेज दिया गया होगा, तो क्या एससीईआरटी से कोई नोटिस आया? नहीं ना। तो बस यही मौका है कि बैक वाले प्रशिक्षु के साथ साथ 2019 बैच के प्रमोट वाले भी, जो प्रमोट का डिमांड कर रहे हैं, वो भी जाएंगे। अपने आप को पूरी तरीके से यह ना माने कि हम प्रमोट हो चुके हैं, अभी कोई नोटिस तो नहीं आया। भाई नोटिस तो आना चाहिए था, वह प्रस्ताव रखा गया है, पीएनपी रखी है एससीईआरटी के सामने। तो अब एससीईआरटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है। तो आप सभी लोग 13 दिसंबर यानी कि आज 9 दिसंबर है, तो 9, 10, 11, 12 तक इतना इसको शेयर कर दें इस वीडियो को कि हमारे सारे प्रशिक्षु कम से कम इस पे बल दिखाएं, संख्या बल दिखाएं अपनी। अब इसको शेयर करें 13 दिसंबर। अपडेट समय नहीं बताना है, मतलब समय का मतलब है कि एससीईआरटी कब खुलती है। भाई कोई भी संस्थान, कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी जो होती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है, वो कब खुलती है बताना, कब खुलती है भाई? 9 बजने के बाद ही। तो 9 बजने के बाद वहाँ पे उपस्थित होंगे। ज़्यादातर जो कार्य उसका होता है 2 बजने तक ही होता है, तो 2 बजने तक ही हमको यह सारी चीज़ें करवा लेनी है। 2 बजने तक ही बच्चों की संख्या वहाँ पे दिखाना है। तो लखनऊ एससीईआरटी में सभी बच्चे 13 दिसंबर 2021 को पहुँचने वाले हैं। सुबह सुबह उनको वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। वहाँ पर बहुत सारे छात्र होंगे, आप ही नहीं होंगे, बहुत सारे प्रशिक्षु होंगे। तो आप वहाँ पे पहुँचें। और आपका कहना था कि सर इस तरह की एक वीडियो बनाएं, तो हमने वीडियो बनाया। और आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेयर करें और सहयोग करें इस धरने में। सारे प्रशिक्षु एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अपने ताकत से आएंगे यहाँ। किसी को कोई धमकी देकर या फिर किसी को ज़बरदस्ती कोई नहीं लाएगा। यह सोच के आना कि जीतना है। जिस प्रकार से हमने प्रमोट कराने का धरना जो था वो सफल हुआ, हम लोगों का, बच्चों ने सफल करवाया, आप लोग भी वहाँ पे आएंगे और आप लोगों का भी सफल होगा, ठीक है। और धरना उनके लिए है जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं, वो क्या डिमांड करेंगे इतना समझ लें। यही कि सर हमारे साथ अन्याय क्यों, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो आप लोग जो वहाँ पर अगर संख्या बल जितना दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आइएगा वहाँ पर, और सारे प्रशिक्षु होंगे, बहुत प्रशिक्षु होंगे, तो इतने में घबराने वाली बात नहीं। सभी लोग वहाँ पर एकजुट होंगे और सभी अपने भाई बहन एक साथ वहाँ पर एक ही मांग लेकर अड़ी रहेंगे, सिर्फ प्रमोट का बच्चों, ठीक है ना। चाहे वह 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु हों, मतलब ये जो पास प्रशिक्षु हैं, वह तो पीएनपी पे उनका प्रमोशन रखा गया, प्रस्ताव तो चला गया सीआरटी। अब सीआरटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है ना। तो इस वजह से थोड़ी सी जागरूक हो जाइए, और बिना जागरूक के कुछ होने मिलने वाला नहीं है आपको, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।